बीजेपी भी मंथन करने वाली है सियासी हलचल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार काफी तेज है बीजेपी भी कल दिल्ली में बैठक का ले रही है इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन बाद 8 जुलाई को बीकानेर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों पर सच बेधड़क के संवाददाता अरविंद पालावत ने बात की है बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया से आइए आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों काफी कुछ खास चल रहा है कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार के साथ ही अन्य जो संगठनात्मक विस्तार है उसको लेकर के काम कर रही है आज कांग्रेस का एक महामंथन होने जा रहा है दिल्ली में सचिन पायलट हो अशोक गहलोत तो जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी गुटबा सामने आ रही है उसको लेकर के कही कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ये कोशिश इसमें करेगा कि दोनों में सामंजस्य बैठाया जा सके पुनिया साहब आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कांग्रेस का एक महामंथन होगा तीस के आसपास जो नेता है राजस्थान से वो वहां पर बुलाए गए हैं आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जो रणनीति है वो भी वहां पर बनेगी कांग्रेस को मजबूत करने के साथ में ही घेरेंगे तो तब ना जब उनके घर में उस तरीके की एकता होगी कि वो किसी दूसरे विरोधी से और आक्रमण करने की उनकी मानसिकता तैयार होगी मंथन जरूर उन्होंने नाम दिया लेकिन उसमें अमृत निकलेगा इसकी गुंजाइश कम है क्योंकि जो विश्वबेल उनकी 2018 में पद प्राप्ति से लेकर महत्वाकांक्षाओं तक उन्होंने उनके बीच में पनपी उसका समाधान आज तक नेतृत्व का कांग्रेस का अलाकामा नहीं कर पाया और लगभग पांच साल पूरे होने को आए नेतृत्व तो का फैसला मैं तो सुनता था कि कोई पैकेज डील हुई है कि आधे आधे टर्म तक मुख्यमंत्रियों का फैसला होगा लेकिन जो 2018 की के राजभवन के नारों से लेके बाड़ाबंदी से लेके इस्तीफों का जो दौर चला वो तो इस बात को कहता है कि कांग्रेस की ये न भरने वाली खाई है और नुकसान ये हुआ कि गवर्नेंस कमजोर हो गई मुख्यमंत्री कुर्सी बचाते रह गए और सचिन पायलट केवल अपनी वेदनाएं व्यक्त करते रह गए इसलिए वो मंथन करें महामंथन करें लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कुछ हासिल होने वाला नहीं आ, आज जो है वो कांग्रेस का मंथन चल रहा है कल एक बैठक है वो बीजेपी की आयोजित होगी दिल्ली में जिसमें प्रदेश अध्यक्ष है प्रभारी सह प्रभारी और संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे इसके साथ ही नौ और दस तारीख को राजस्थान के सवाईमाधोपुर में बैठक होगी किस तरह से इन दोनों बैठकों को देखते हैं क्या कुछ जो जो लक्ष्य हैं वो यहां पर तय किए जाएंगे ये पार्टी भारती पार्टी भारतीय जनता का जो एक चरित्र है वो संगठन है और विचार के आधार पर हम लोग आगे चलते हैं और इसलिए संगठन में हम लोग कहते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कैसे बनाए और मोदी जी की पंचलाइन को जोड़ दें तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास तो कुल मिलाकर हम एक निर्धारित एजेंडे पे चलते हैं और उसके लिए समय समय पर जो हमारा ओरिएंटेशन है वो जरूरी है और ये पार्टी की संगठनात्मक बैठक है राजनीतिक बैठक नहीं उसमें हम संगठनात्मक मुद्दों पर विचार करते हैं और आगे बढ़कर हम क्योंकि चुनावी साल है तो चुनाव में हमारी रणनीति क्या है उस पर हम लोग पूरी समग्रता से विचार करते हैं इस लिहाज से ये दो दिन की बड़ी अहम बैठक है जिसमें प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे जी बिल्कुल तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जिन्होंने कहा कि कांग्रेस का मंथन चल रहा है वहीं पर आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी भी एक जो मंथन है वो यहां पर करेगी संगठन के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पर तय किए जाएंगे साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान को उन्होंने काफी कुछ दिया है और आने वाले समय में राजस्थान में कई और दूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होंगे जिसमें कई विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास होगा कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ अरविंद पालव सचवे दड़क जयपुर